सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं कैमरा टेस्टिंग करने वाला हूँ वीवो V29 Pro का। अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी फ़ोन से, फ्रंट कैमरा से। एंड द गुड न्यूज़ इज़ फाइनली, जब आप 40,000 पे कर रहे हो तो आपको 4K मिल रहा है फ्रंट कैमरा में। बट चीज़ अच्छी है कि 4K 60fps है, तो 30 एंड 60 दोनों का ऑप्शन मिलता है। अभी मैं 4K 60fps में शूट कर रहा हूँ और अभी आउटडोर लोकेशन पे आया हूँ, कुछ सैम्पल्स ले रहे हैं हम लोग। और ये बैकलाइट सिचुएशन है, जस्ट आपको अगर आइडिया चाहिए कि डायनामिक रेंज कैसा है। वाइड काफ़ी है, ये चीज़ बढ़िया है कि 0.8x का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। तो विथ स्टेबलाइजेशन अगर मैं अभी चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ तो आपको एक ही फेयर आइडिया दे देगा कि फ्रंट कैमरा से अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो तो आउटपुट कैसा है। अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या फीचर्स हैं, क्या मोड्स हैं, फोटोज और वीडियोस लेते हैं। लेट्स सी क्या ये एक सही कैमरा फ़ोन है या शूडियो स्केप दिस। और इस तरीके से आपको ये बोके वीडियो या पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है, बट ये सिर्फ 1080p 20fps तक लिमिटेड है। इंटरेस्टिंगली 24fps दिया है, जो सिनेमैटिक fps जिसको बोला जाता है। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस अपने कुछ अपने ब्लॉग्स में या कहीं फिट करना है तो ये फीचर भी आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। एज डिटेक्शन मेरे चश्मे से आपको आइडिया लग जाएगा कैसा आ रहा है। स्ट्रेंथ मैंने इसकी F2 रखी है, जो कैमरा मुझे रेकमेंड कर रहा था। तो अभी ये हम वीवो V29 Pro से 4K वीडियो शूट कर रहे हैं स्टैंडर्ड में, तो आपको एक क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा। लाइट अभी एकदम सामने से आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा साइड लाइट आता हूँ तो दिस इज साइड लाइट, ऑलमोस्ट हाफ लाइट आ रही है। इस साइड पर शेडो होना चाहिए, बट एक्चुअल जो इसका टेस्ट है वो है बैक लाइट सिचुएशन में। तो सन अभी मेरे एकदम पीछे है, तो अभी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बैक लाइट में ये कैसे एक्सपोजर को निकाल रहा है, कलर्स कैसे आ रहे हैं, डायनामिक रेंज कैसा है। तो ये एक आपको फेयर आइडिया दे देगा 4K का। और ऑडियो भी अभी V29 Pro से ही आ रहा है, सो दैट आप जज कर सको कि ऑडियो कैसा है इसका। स्पेशली अभी हम 3 से 4 फीट दूर होंगे डिस्टेंस पे, तो एक बार अल्ट्रा वाइड पर स्विच करते हैं और फिर डिफरेंस देखते हैं। तो अभी हमने इसको अल्ट्रा वाइड पर स्विच कर लिया और यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे ख़राब लगी कि जब आप 40,000 पे करते हो एक फ़ोन के लिए तो 4K में अल्ट्रा वाइड नहीं है। 1080p में भी सिर्फ 30fps में अल्ट्रा वाइड है, 1080p 60fps में भी अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको वाइड एंगल में इस तरीके से वीडियो शूट करनी है तो आपको सिर्फ 1080p 30fps तक ही रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। उससे फास्ट fps पे जाना है, 4K में जाना है, तो आपको स्टैंडर्ड में ही वीडियो शूट करनी पड़ेगी। अब वीवो V29 Pro में आपको इस तरीके से पोर्ट्रेट वीडियो या सिनेमैटिक वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है। तो पहली चीज़ 1080p तक ही है, 4K में आप नहीं जा सकते, तो इस बजट में 1080p में ही मिलता है। बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एज डिटेक्शन कैसा है। तो मान लेते हैं अगर मैं आगे इस तरीके फ़ोन लेके आता हूँ और वापस अगर मैं हटाता हूँ एंड वापस अगर फ़ोन आता है तो कितनी जल्दी ये फोकस शिफ्ट कर रहा है और क्या ये फ़ोन पे फोकस कर भी रहा है नहीं, एक बार फिर से करके देख लेते हैं। और ये एक आइडिया देता है कि कितना एक्यूरेटली ये पोर्ट्रेट मोड में फोकस को शिफ्ट कर रहा है। तो अभी आपने वीवो V29 Pro के कुछ वीडियो सैम्पल्स देखे। इससे पहले कि मैं अपने व्यूज़ इसके बारे में शेयर करूँ, पहले थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। तो बैक साइड में अगर आप देखोगे आपको लगेगा 2 कैमराज है, बट एक्चुअली यहाँ पे 3 कैमराज आते हैं। पहला है 50 MP का प्राइमरी कैमरा है 1.9 पे, दूसरा है 12 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो कैमरा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और तीसरा है अल्ट्रा वाइड एंगल जो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, बट पहले लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो, ऑलरेडी आप देख भी चुके हो। आई बिलीव कि इस प्राइस में जो आपको वीडियो क्वालिटी मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। 4K में अप टू 4K 60fps का आपको ऑप्शन मिलता है, द क्वालिटी इज़ रियली गुड। उससे बढ़िया चीज़ है कि वीडियो में स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप चलते हुए वीडियो बनाते हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, या जैसे आप यहाँ देखोगे पाथ पे चलते हुए हमने सैम्पल्स लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वीडियो और ज़्यादा जिटर्स देखने को नहीं मिलते, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कंसिडरिंग जिस प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन आता है। उसके बाद इसमें जो डायनामिक रेंज है, एक्सपोजर कंट्रोल है, वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप काफ़ी डायनामिक सिचुएशन में शूट करने वाले हो जहाँ पे शेडो एरियाज भी हैं, हाईलाइट भी हैं, स्काई बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो वहाँ पे फ़ोन ये ओवर एक्सपोज नहीं करता, एक्सपोजर को अच्छे से मैनेज करेगा। इवन अगर आप वीडियो शूट करते हुए लाइटिंग में भी चेंज करते हो, फ्रेम चेंज करते हो, तो ये काफ़ी अच्छे से काफ़ी प्रोफेशनली एक्सपोजर को कंट्रोल करता है। बस दिक्कत मुझे एक लगी कि जब आप डे टाइम में बैकलाइट सिचुएशन में शूट करोगे ना, जब सन के थ्रू आप शूट कर रहे हो तो क्रोमैटिक एब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। क्रोमैटिक एब्रेशन की अवधि आप पत्तों के एजेस में जो पर्पल मेजेंटा लाइन देखोगे वो बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली सनसेट के टाइम में, जो नॉर्मली इस रेंज के फोन में देखने को नहीं मिलता। तो वो एक स्ट्रांग इशू है, स्पेशली अगर आप बैकलाइट में काफ़ी पोर्ट्रेट्स लेने वाले हो, फूड के शॉट्स लेते हो, आउटडोर लैंडस्केप लेने वाले हो, तो वहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो शूट करते करते शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा था, यहाँ पे कुछ लो लाइट सैंपल्स हैं वीडियो के। तो अभी ये एकदम लो लाइट वाला टेस्ट है बिकॉज अंधेरा हो चुका है, थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट चल रही हैं, मेरे ऊपर ऐसा जितनी लाइट नहीं है, पीछे ज़्यादा लाइट है। तो ये एक इंटरेस्टिंग टेस्ट होगा देखने के लिए कि लो लाइट में ये जो फ़ोन है कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज डे टाइम में तो अभी तक जितना लिया ठीक ठाक लग रहा है, बाकी उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे। और अभी प्रॉपर लाइट्स हैं यहाँ पे,
तो स्काई का कुछ कलर निकल रहा है, नहीं निकल रहा, कैसा एक्सपोजर आ रहा है, वो यहाँ पे हमें देखना है, बिकॉज लो लाइट में ही फ़ोन स्ट्रगल करते हैं और ये जिस प्राइस पॉइंट पे आता है 35,000 to 40,000 के बीच में, आइडियली इसको लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बाकी इसको देखते हैं अच्छे से एंड फिर अपना वर्डिक्ट देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि डिटेल और शार्पनेस काफ़ी अच्छी है लो लाइट में भी। तो जब इतनी अवेलेबल लाइट नहीं होगी आपको वीडियोज़ काफ़ी शार्प, काफ़ी डिटेल मिलने वाली है। बट उससे इंपॉर्टेंट है जो नॉइस लेवल है वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया गया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लो लाइट में वीडियो शूट करते हो दिस इज़ अ वेरी गुड वीडियो फ़ोन। बस एक दिक्कत मुझे लगी, फ्लेयर्स थोड़े से दिख रहे थे, स्पेशली जब स्ट्रीट लैंप्स या लाइट्स आपके फ्रेम में होंगी तो फ्लेयर वाला इशू आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल 4K वीडियो स्टैंडर्ड में तो काफी बढ़िया है, बट सबसे बड़ा इशू इस फोन में है कि 4K में अल्ट्रा वाइड एंगल में आप वीडियो शूट नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने रिसेंटली मोटो एज 40 नियो रिव्यू किया था, 21,000 का फोन है, उसमें 4K में अल्ट्रा वाइड एंगल का वीडियो है। तो कई फोन्स में इस रेंज में एटलीस्ट 30,000 में आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, 4K में इस फोन में वो ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो शूट करनी है आपको 1080p पे स्टेप डाउन करना पड़ेगा, जिसका आउटपुट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत सॉफ्ट वीडियो है, रेजोल्यूशन बहुत ही पुअर है एज कम्पेयर टू 4K। और अगर ये वीडियो आप सोचते हो कि इसको आप यूट्यूब या कहीं यूज कर सको, मुझे नहीं लगता, जब आप इतना प्राइस पे कर रहे हो क्वालिटी बेटर होनी चाहिए थी। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड में ज्यादा वीडियो शूट करते हो आई थिंक ये वाला फोन आप स्किप कर सकते हो। तो ये 1080p में अल्ट्रा वाइड एंगल में मैं सैंपल शूट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली 4K में अल्ट्रा वाइड है नहीं, तो यहाँ पे यू कैन सी मी शूटिंग। तो ये एक आइडिया देने के लिए कि अगर रात के टाइम आप वीडियो शूट करना चाहते हो, बाय द वे वहाँ पे एक और मॉन्यूमेंट है, वो किसी और दिन किसी और वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, बट जस्ट अगर आपको एक आइडिया लेना था कि अगर आप इस तरीके से लो लाइट वीडियोज बनाते हो अल्ट्रा वाइड में 1080p में ऐसा आउटपुट आने वाला है। और अभी मैंने 4K में स्विच कर लिया, तो स्टैंडर्ड में 4K है। अगेन फ्लेयर मुझे थोड़ा कंट्रोल दिख रहा है, बट यहाँ पे फ्लेयर है कहीं ना कहीं आ ही रहा है। एंड वो है पीछे वाला जो मॉन्यूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ भी काफ़ी लाइट जली हुई जिस वजह से वो एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा ओवर है। बाकी कमिंग बैक टू दिस स्ट्रक्चर, तो इस साइड से कुछ है। एंड अगर आप रियर कैमरा से इस तरीके से ब्लॉगिंग भी करना चाहते हो तो 4K में लो लाइट का ये आपको एक फेयर आइडिया दे देगा कि अभी तो लाइट मेरे ऊपर काफ़ी आ रही है, बट स्टिल अगर आपको बैकग्राउंड में कैसे नॉइस कंट्रोल हो रहा है वो एक टेस्ट है। और लास्ट में मैं वीडियो की बस एक ही बात करना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल काफ़ी फ़ोन्स में, कंसिडरिंग जब आप 40,000 भी इस फ़ोन के लिए दे रहे हो, वीडियो में प्रो मोड नहीं है, विच आई हाईली रिकमेंड, होना चाहिए, आपको थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करनी पड़ती हैं, तो इस फ़ोन में भी आपको वीडियो के लिए कोई प्रो मोड नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमें 50 megapixel है 1.9 का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसके रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ओवरऑल इमेजेस काफ़ी शार्प हैं, काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर हैं। इवन अगर मैं डायनामिक रेंज की बात करूँ, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जो ब्राइट पार्ट्स हैं वो ओवर एक्सपोज हो रहे हैं या शेडोज में बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ रही है। तो ये डायनामिक रेंज को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर रहा है। तो अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो एक प्रोफेशनल है, या इवन अगर आप बिगिनर भी हो, वो पूरी रेंज को ये इजीली कवर करता है, बिकॉज इसका जो आउटपुट है वो डायनामिक रेंज वाइज एक्सपोजर वाइज काफ़ी अच्छा है। कलर्स की अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट हो सकता है, बिकॉज जो कलर्स हैं मुझे थोड़े ज़्यादा पंची लगे, थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड हैं। तो अगेन वही चीज़ आ जाती है, अगर आपको थोड़े हल्के कलर्स पसंद हैं, आप एडिटिंग में खुद से एडजस्ट करना चाहते हो, आपको इतने वाइब्रेंट कलर्स पसंद नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन मिलता है नेचुरल कलर वाला, उसको आप इनेबल कर सकते हो, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल जाता है। बट अदरवाइज जो हमने इससे सैंपल लिए हैं वो नेचुरल कलर को ऑफ करके ही लिए हैं, जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है कलर्स थोड़े से ज़्यादा पंची हैं मेरे हिसाब से। बट आई बिलीव जो मासेज हैं जिनको सीधा फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालना है, उनके लिए जो कलर्स हैं ये एकदम सही हैं, फोटो क्लिक करी सीधा सोशल मीडिया पर डाली एंड दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज़ लेते हो या अपनी फोटोज़ खिंचवाते हो, फ्रेंड्स फैमिली की लेते हो, तो स्किन टोन की अगर मैं बात करूँ, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नेचुरल है, ना ज़्यादा मेजेंटा है ना ज़्यादा वॉर्म है, इट इज़ टूवर्ड्स नेचुरल स्किन टोन जो नॉर्मली हम अपनी आंखों से देखते हैं। बस एक दिक्कत जो मुझे स्टैंडर्ड कैमरा में लगी वही है जो वीडियो में थी, क्रोमैटिक एब्रेशन वाली, या बैकलाइट सिचुएशन में जब आप फोटोज़ लेने वाले हो तो उतना बढ़िया प्रोसेसिंग नहीं है, क्रोमैटिक एब्रेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है स्पेशली एजेस के टूवर्ड्स। नाउ मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जो आपको यहाँ छोटी सी बिंदी दिखेगी, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो सिर्फ 8 megapixel का है। तो यहाँ पे मेरा एक ये फोन के साथ बेसिकली मैं बोल सकता हूँ दिक्कत है, क्यों, बिकॉज जब आप 40,000 पे करते हो यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 12-13 megapixel का या 16 megapixel का अल्ट्रा वाइड कैमरा हो, जो यहाँ पे नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़्यादा मेगापिक्सल से क्वालिटी बढ़िया आती है, बट जब आप यहाँ फोटोज़ देखोगे
एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, कॉन्ट्रास्ट बहुत ही हल्का है, कलर्स बहुत ज़्यादा फीके हैं। ये मैं अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करूँ तो बहुत ही ऑपोजिट आउटपुट आपको मिलता है। तो अगेन, अगर आप अल्ट्रा वाइड में ज़्यादा फोटोज़ लेने वाले एक यूज़र हो, इस फ़ोन में आपको मज़ा नहीं आएगा बिकॉज आउटपुट उतना अच्छा नहीं है। एडिटिंग में जाके आपको थोड़ी शार्पनेस बढ़ानी पड़ेगी, कॉन्ट्रास्ट, कलर्स, ये सारी चीज़ें। आउट ऑफ कैमरा फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, और लो लाइट में अगर आप अल्ट्रा वाइड में फ़ोटोज़ लोगे तो और ज़्यादा फ़ोटोज़ ख़राब आती हैं, डिटेल नहीं है, टेक्सचर नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है। बट इस फ़ोन में आपको एक डेडिकेटेड 2x टेलीफोटो कैमरा मिलता है जो पोर्ट्रेट्स के लिए है, उसके बाद मैं आगे करूँगा। बट हमने 2x में कुछ ऑप्टिकल लेंस को यूज़ करके फ़ोटोज़ भी लिए हैं, बहुत ज़्यादा शार्प हैं, क्लैरिटी बहुत अच्छी है, प्रोसेसिंग भी प्राइमरी कैमरा जैसी ही है। तो अगर आप 2x में जूम करके फोटोज़ लेना चाहते हो तो आई कैन से कि आउटपुट बहुत अच्छा है, शार्पनेस अच्छी है, इवन जब थोड़ी सी कम लाइट भी तब भी जो फोटोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं। बस एक दो फोटोज़ में मुझे लगा कि फोकस थोड़ा सा आगे पीछे जा रहा था, बट अदरवाइज द आउटपुट इज़ गुड। इसके बाद हमने 50 मेगापिक्सल का भी मोड ट्राई करा है, तो हाई रेजोल्यूशन में आप 50 मेगापिक्सल फोटोज़ ले सकते हो। तो यहाँ पे साइड बाई साइड कंपेरिजन है, और एक चीज़ अच्छी है कि कई फ़ोन्स में क्या होता है, जब हाई मेगापिक्सल काउंट होता है तो प्रोसेसिंग प्राइमरी कैमरा जैसी नहीं रहती, बट यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड फोटो में है वैसी 50 मेगापिक्सल में प्रोसेसिंग मिलेगी। डिटेल अच्छी है, शार्पनेस अच्छी है। तो अगेन, अगर आप फोटोज़ के साथ क्रॉप करना चाहते हो या प्रिंट कराना चाहते हो तो 50 मेगापिक्सल इसका यूज़फुल है और वो आपको हेल्प करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 2x पे चले जाता है। क्यों? जैसे मैंने बताया, 2x का डेडिकेटेड आपको ऑप्टिकल यहाँ पे एक कैमरा मिलता है जिसको आप डिजिटल जूम नहीं बल्कि ऑप्टिकल जूम के साथ फोटोज़ ले सकते हो। 1x 2x दोनों में हमने पोर्ट्रेट फोटोज़ ली है। पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि 2x वाला जो आउटपुट है उसमें स्किन ना सॉफ्ट जा रही है, एज डिटेक्शन मुझे आर्टिफिशियल लग रहा है, जैसे कि आपने किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कटआउट लगा के बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया। 1x में मुझे थोड़ा नेचुरल लग रहा है, बट 2x में ऑल दो आपको डिटेल अच्छी मिलनी चाहिए और शार्पनेस जो प्राइमरी में है, बट पोर्ट्रेट मोड में आते ही आते हैं मुझे पर्सनली पोर्ट्रेट थोड़े सॉफ्ट लगे हैं, एज डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं है, ब्लर इफेक्ट अच्छा है। आप आई वुड सजेस्ट आप 1x पे अगर लेते हो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर आउटपुट मिलेगा। अब लास्ट में लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो लो लाइट फोटो से पहले मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करना चाहूँगा। नीचे की तरफ आप देखोगे गोल सी जो रिंग लाइट शेप में लाइट है, ये ऑरा लाइट है जिसको काफ़ी मार्केट करता है वीवो, पिछले साल भी था। अब हमने यहाँ पे साइड बाय साइड में आपको सैंपल्स दिखाऊंगा, हमने कुछ टेस्ट करे और मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखा। पहले मेरा ये थॉट था कि यार कितनी ही लाइट आएगी, बट अगर आप देखोगे जब ये लाइट ऑफ होती है वर्सेस जब ऑरा लाइट यूज होती है तो काफी ज्यादा डिफरेंस आता है। फोटोज बहुत शार्प लगती हैं, ऐसा नहीं लगता कि सामने से कोई लाइट फेंक रहा है, बिकॉज सॉफ्ट लाइट है तो शेडोज भी सॉफ्ट बनती हैं और कोई ऐसा कलर कास्ट भी नहीं आता। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल लो लाइट सिचुएशन में स्टैंडर्ड कैमरा से फोटोज लेते हो, फोटो शार्प हैं। एक चीज अच्छी लगी मुझे, नॉइज बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रही है, आपको शेडोज में इजीली नॉइज देखने को नहीं मिलेगा। प्रोसेसिंग अच्छी है, डायनामिक रेंज अच्छा है, हाईलाइट एरियाज को ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप कहीं ऐसी फोटोज़ लोगे जहाँ बोर्ड्स लगे हुए हैं या ऐसे जहाँ पे हाईलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं वर्सेस शेडोज़ भी, तो ये काफ़ी अच्छे से हाईलाइट को कंट्रोल करता है। बस ये चीज़ है कि अल्ट्रा वाइड अगर आप लो लाइट में यूज़ करोगे तो वो यूज़ेबल नहीं है, बहुत सॉफ्ट इमेजेस हैं, उसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ। अच्छा, अगर आप प्रो मोड में फोटोज़ लेते हो तो V29 Pro में प्रो मोड है फोटोज़ के लिए, आजकल हर फोन में आता है। एक चीज़ बढ़िया, यहाँ पे आपको रॉ का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इवन नेचुरल कलर का भी यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप रॉ को ऑफ करके फोटोज़ ले रहे हो तो नेचुरल कलर को ऑफ करके आप कम सैचुरेशन के साथ प्रो मोड में फोटोज़ ले सकते हो। और एक और चीज़ बढ़िया है, आप अल्ट्रा वाइड 1x और इवन 2x में भी प्रो मोड में फोटोज़ यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। बाकी वही सारे कंट्रोल्स आपको प्रो मोड वाले मिलते हैं, ISO, शटर स्पीड, वाइड बैलेंस, फोकस, मीटरिंग एंड एक्सपोजर कंपनसेशन। तो ओवरऑल आई थिंक वीवो V29 Pro की अगर मैं बात करूँ एज अ कैमरा फ़ोन, फोटोज़ के लिए एक्सीलेंट है, वीडियोज़ के लिए भी एक्सीलेंट है, बस मुझे पोर्ट्रेट मोड उतना अच्छा नहीं लगा। और वीडियो में 4K स्टैंडर्ड है, अल्ट्रा वाइड नहीं है। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा फोटोज़ या वीडियोज़ में यूज़ करना है, मैं ये फ़ोन सजेस्ट नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड अगर आप यूज़ करते हो, बहुत सही फ़ोन है इस प्राइस रेंज में। आपके क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके बताना। और अगर आपको चाहिए कि V29 Pro का हम किसी और फ़ोन के साथ कैमरा कंपेरिजन करें, डू कमेंट एंड लेट मी नो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।